हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन ऑफ माइकोप्लाज्मा, यानी कि स्टूडेंट्स ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं इनके अंदर न्यूट्रिशन किस टाइप का देखने को मिलता है आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इन माइकोप्लाज्मा को डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज के अंदर। द वेरी फर्स्ट इज अ पैरासाइटिक एंड सेकेंड इज अ सेप्रोफाइटिक। तो चलिए इन दोनों ही टाइप को समझते हैं। तो सबसे पहला टाइप है माइकोप्लाज्मा का बेसिस ऑन द न्यूट्रिशन, दैट इज पैरासाइटिक माइकोप्लाज्मा। समझते स्टूडेंट्स, तो एग्जैक्टली जो दोनों कैटेगरीज है पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक, ये दोनों ही जो है एक हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। हीटरोट्रॉफिक का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि वो अपने फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते एंड फूड के लिए ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ओके, तो ये जो हीटरोट्रॉफिक माइकोप्लाज्मा है दैट इज पैरासाइटिक माइकोप्लाज्मा। ओके, इसके लिए बात कर रहे हैं। तो जो पैरासाइटिक माइकोप्लाज्मा है एक हीटरोट्रॉफिक माइकोप्लाज्मा है जो कि ऑब्टेन करता है, लेता है उनका फूड जो है फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इनको बोला गया है पैरासाइटिक माइकोप्लाज्मा। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ऐसे हीटरोट्रॉफिक माइकोप्लाज्मा जो कि अपना खाना यानी कि फूड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं उनको हम बोलते हैं पैरासाइटिक माइकोप्लाज्मा। ओके, इतना क्लियर है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिससे ये फूड गेन करते हैं या ऑब्टेन करते हैं उनको बोलते हैं होस्ट। यानी कि ये जो माइकोप्लाज्मा है जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं उन ऑर्गेनिज्म को, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं होस्ट। तो यही है पैरासाइटिक माइकोप्लाज्मा जो कि बेसिकली अपना फूड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है। सेकेंड है सेप्रोफाइटिक माइकोप्लाज्मा। ओके, तो ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं हमको देखने को मिलते हैं जनरली रॉटन एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक मैटर ओके जो कि मर चुके हैं या रॉटन यानी कि खराब हो चुके हैं। ओके, एंड सिंपली ये ऑब्टेन करते हैं उनका फूड इनके डिकम्पोजिशन से। यानी कि स्टूडेंट्स जो भी ऑर्गेनिक मैटर है जैसे कि डेड बॉडीज हो गई, डेड प्लांट्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए, तो या फिर रोटन फूड हो गया, सड़ा हुआ खाना, खराब खाना, ये जनरली क्या करते हैं सेप्रोफाइटिक माइकोप्लाज्मा जो है इन डेड ऑर्गेनिक मैटर से या रोटन फूड से अपना फूड गेन करते हैं, लेकिन उसके लिए डिकम्पोज करते हैं उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को या फिर ऑर्गेनिक मैटर को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ये जनरली कॉम्प्लेक्स होते हैं इन द स्ट्रक्चर। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को जनरली कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मैटर पे, या फिर इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ये कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में। तो ये कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। ओके, यानी कि एक डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये सिंपली इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में या फिर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। ओके, एंड दूसरों पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। तो क्वेश्चन आता है कि ये डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम क्यों नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं पहले सिंपल ऑर्गेनिक मैटर को, डिकम्पोज करते हैं, या फिर इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में। तो इसका आंसर ऐसा है स्टूडेंट्स कि ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो है वो ऑब्टेन करते हैं उनका फूड फ्रॉम द न्यूट्रिएंट सब्सटेंस इन सॉल्युबल फॉर्म प्रेजेंट इन लिक्विड मीडियम। यानी कि समझिए इस चीज को, इन माइकोप्लाज्मा को जो फूड मिलता है वो ऐसे न्यूट्रिएंट सब्सटेंस से मिलता है जो कि सॉल्युबल फॉर्म में हो, यानी कि ये जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है वो सॉल्युबल घुल जाने के फॉर्म में हो एंड सिंपली हमको ये लिक्विड मीडियम में देखने को मिलता है। ओवरऑल स्टूडेंट्स यही है कि जो माइकोप्लाज्मा है दैट इज सेप्रोफाइटिक, ये अपना फूड जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से या रोटन फूड से गेन करते हैं। ओके, एंड सिंपली वहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में या फिर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में, एंड सिंपली क्या करते हैं ये होता है डिकम्पोजिशन की प्रोसेस से एंड अपना फूड जो है वो गेन कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।